भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही, क्लर्क को सस्पेंड किया, कलेक्टर को सस्पेंड किया, एसडीओ को सस्पेंड किया, भरे मंच से किया, कलेक्टर का काम किया, एसपी का काम किया, एक दिन के नायक बने, आपने लोकप्रियता और मीडिया मैनेजमेंट के साथ अपनी छवि को निखारने की कोशिश की। पर आप जब अंधे क्यों हो गए, बहरे उस समय क्यों हो गए, आपका मुंह क्यों सिल गया कि 125 एकड़ जमीन आपके मंत्री को दान में मिल गई और आपके मुंह से हलक से एक शब्द भी नहीं निकला, ये सवाल मध्य प्रदेश की जनता पूछे या नहीं पूछे। मुख्यमंत्री जी, 4 लाख करोड़ के कर्जे में मेरा प्रदेश कैसे आ गया और 24,000 करोड़ रुपया पर साल सिर्फ ब्याज देना पड़ता है, इस महापाप का दोषी कौन है, ये सवाल जनता आपसे पूछे कि नहीं पूछे। आपने दोगुनी आय की बात की थी किसानों की, लागत दोगुनी कर दी आपने, मध्य प्रदेश के किसानों को आत्महत्या पर करने को मजबूर कर दिया, खाद नहीं है, बिजली नहीं है, फसलों के दाम नहीं है, और जब आवाज उठाई तो आप ही वो हत्यारे थे, आपकी सरकार थी जिनने 5-5, 6-6 किसानों को गोली मारी, उसके लिए आपने क्या किया मुख्यमंत्री जी, ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? मुख्यमंत्री जी, ये सवाल बनता है कि नहीं कि आपने नौकरी को लेकर पिछले 20 साल में 100 बार घोषणाएं की, आज भी 46% बच्चे बेरोजगार है, रजिस्टर्ड बेरोजगारी में मध्य प्रदेश सबसे अव्वल है, आप में मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की आंदोलन और जगह जगह आत्महत्या का दौर सबसे ऊपर है देश में, इस महापाप का दोषी कौन है मुख्यमंत्री जी, ये सवाल मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछे कि नहीं पूछे। मुख्यमंत्री जी, ये बताओ सरकारी नौकरियों में पीएससी की एग्जाम क्यों नहीं हुई पिछले कई सालों से, जो पीएससी का फर्जीवाड़ा क्यों है मुख्यमंत्री जी, व्यापम का फर्जीवाड़ा क्यों है मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी, आप ये बताओ इस प्रदेश को कि मध्य प्रदेश में वो युवा जो एग्जाम के आस में ओवर एज हो गया, तो भारत सरकार के की सर्विसेज के सारे आंकड़े ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध क्यों है, महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों है, आदिवासियों के साथ अत्याचार क्यों है, महिलाओं का अपहरण क्यों है, आप इसका सवाल का उत्तर कौन देगा मुख्यमंत्री जी, ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? और सबसे बड़ा सवाल आज जो पैदा होता है वो कि अडानी समूह जिसने देश में एक सबसे बड़ा महाअपराध किया है, महाअपराध, महाभ्रष्टाचार, उसमें मध्य प्रदेश की सरकार की कितनी सहभागिता है, जो अडानी समूह में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार देश के सामने, एक फ्रॉड सामने आया है, उसमें मध्य प्रदेश सरकार, आपकी सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार की भूमिका क्या है, आपने कितनी जमीनें उनको दी, कितनी उनको टैक्स में छूट दी, कितने उनके समूह में सहायताएं की, इतनी 6-6 बार इन्वेस्टर मीट किया, उसमें अडानी को बुलाया और अडानी को कौन कौन सी सहायता आपने दी जो इस फर्जीवाड़े को सहयोग करती है? मुख्यमंत्री जी, सहयोग तो सवाल तो ये बनता है, तो सवाल ये भी बनता है मुख्यमंत्री जी कि उमा भारती आपसे पहले मुख्यमंत्री थी, वो शराब की दुकान के सामने गाय बांध रही है, शराब की दुकान पर पत्थर चला रही है, शराब की दुकानों की बाटलें फोड़ रही है, शराब की को लेकर आपसे रोज मिल रही है, रोज अपनी अपने सम्मान को धीरे धीरे करके समाप्त कर रही है, सिर्फ आपसे, आपकी पार्टी, आपके विचार की मुख्यमंत्री, उसका उत्तर आज तक आपने नहीं दिया, ये सवाल है कि नहीं है? कमलनाथ की सरकार से 15 महीनों के जवाब मांगना आपका अधिकार हो सकता है, पर इन सवालों का उत्तर देना भी आपकी दायित्व है, आपका कर्तव्य है, तो कृपया करके इस पर आपको मध्य प्रदेश को अवगत कराना चाहिए। मैंने जैसे विधानसभा सत्र में मांग की थी एक श्वेत पत्र आर्थिक हालात को लेके मध्य प्रदेश की सरकार थे, और जैसा मैंने कहा था एक बार पहले, 15 आपके खिलाफ में आरोप पत्र मैंने दायर किया था, मुख्यमंत्री के खिलाफ इस सदन में मैंने एक आरोप पत्र दिया था लिखित में, वो आरोप पत्र मैं अभी आप सबको सर्कुलेट करा